हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी वी अय्यर। कैसे आप सब? ठीक, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए मैंने बहुत ही इजी एक रेसिपी लाया। मैं बस कोई भी सब्ज़ी नहीं था, ओनियन टमाटो के अलावा कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा ये जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ वो आपको बताओ। मैं कौन ऐसे जब वेजेज नहीं होते तो मैं कौन सी सब्ज़ी बनाती हूँ या क्या करती हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक ओनियन लिया है, टमाटो मेरे पास बड़ा नहीं था इसके लिए मैंने ऐसा लिया। ग्रीन चिल्ली आपका चॉइस है, आप चाहे तो लो नहीं तो मत लो। मैंने तीन लिया क्योंकि मैं कश्मीरी रेड चिली यूज़ करूँगी। एंड दिस इज़ जिंजर एंड दिस इज़ गार्लिक। तो गाइज़, ये सबको आप इकट्ठा ग्राइंड भी कर सकते हो, फ्राई करके, या रॉ भी ग्राइंड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं ओनियन को चॉप करने वाली हूँ फाइनली। मैं इन सबको, टमाटो, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली को ग्राइंड करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको चॉप, सबको चॉप भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मेरे घर पर किसी को मुँह में आया हो पसंद नहीं, जैसे ओनियन फाइनली चॉप करूँगी, ये सबको फाइनली ग्राइंड कर दूँगी, ब्लेंड करूँगी। और सब्ज़ी बन रही हमारी सेव की, तो ये भावनगरी सेव है। आप लाल कलर की जो घाटिया आते हैं वो भी ले सकते हो, उसको घाटिया बोलते हैं, लाल घाटिया सेव, वो भी ले सकते हो। अब मेरे पास वो नहीं है, ख़त्म हो गया, तो मैं ये ले रही हूँ। तो मैं एक सिंपल ईजी सा रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब सब्ज़ी नहीं है तो आप ये बना सकते हो। तो अब मैं चॉप करती हूँ, ग्राइंड करके आपसे मिलती हूँ। तो गाइज, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाला। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, तो जैसे गर्म हुए हम जीरा डाल देंगे इसमें। तो गाइस, अब हम जीरा डालेंगे 7.5 टीस्पून। ये जो हम सेव की सब्जी बना रहे हैं बेसन का होता है, तो हींग डालना ज़रूरी है, डाइजेस्ट होने के लिए इजी होगा। तो हम हींग डालेंगे थोड़ा सा। अब जीरा हमारा अच्छा स्प्लटर हो गया। तो बस अभी ओनियन डालेंगे। इसको हमें अच्छा ब्राउन करना है, तब इसको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो गाइस, ये देखिए इतना ब्राउन हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटो का प्यूरी, जो हमने टमाटो, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक एंड जिंजर के साथ ग्राइंड किया है। और गैस को सिम में रखना। तो गाइस, इसको हम अच्छे से स्टर कर लेते हैं। अगर आपको टमाटो प्यूरी नहीं डालना है तो आपको ओनियन के साथ फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना होगा, फिर टमाटो को चॉप करके डालना होगा। हम हल्का सा सॉल्ट डाल लेंगे ताकि टमाटो अपना पानी छोड़ के पक जाए। तो गाइस, इसको मैं ढक्कन लगा के पका रही हूँ क्योंकि ये उड़ता रहता है। तो सिम में या मीडियम में आप इसको रख के पका सकते हो 2 मिनट के लिए, बीच में स्टर करना ज़रूर। तो गाइज, अभी मैं इसको स्टर कर चुकी थी, एक बार वापस स्टर कर रही, देखिए तेल निकल रहा है और अच्छी खुशबू आ रही है, उसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भून गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जो मिक्सर का वेसल था वो वेसल में ही मैंने पानी डाला, मतलब भर दिया, और उसको हल्का सा वॉश करके डाल दूँगी। पानी की कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से, आपको जितना चाहिए उतना आप डाल सकते। कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो गाइस, इसको हम एक बॉईल आने देंगे और सिम मीडियम में, दोनों में आप मीडियम में रख रहे हो तो बीच बीच में स्टर करना। बॉईल आने एक 5 मिनट आपको इसको रखना है। अगर सिम में रख रहे हो तो 5 मिनट आप रख सकते हो बिना स्टर का, बट मीडियम में आपको बीच में स्टर करना। तो अब एक बॉईल आ जाए। तो गाइस, यहाँ पे ये बॉईल आ गया, इसको स्टर करते हैं। और एक 5 मिनट के लिए मैं सिम में रख रही हूँ, वापस बोल रही हूँ मीडियम में है तो आप प्लीज़ बीच में स्टर करना, नहीं तो बर्न स्मेल आ जाएगा। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो गाइस, इसको 5 मिनट हो गया, देखिए सारा तेल बाहर आ गया। अब इसमें हम
धनिया पत्ता डालेंगे, स्टर कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइस इसका जो कंसिस्टेंसी है वो आपके ऊपर है, अगर आप बाद में बढ़ाना चाहते हो तो गर्म पानी आपको इसमें डालना है। एंड इसको सर्व करने का तरीका भी, इसको मैं ऑफ कर देती हूँ, ये हो गया। एक तो आप खाने के पहले अभी ये गर्म है इसमें सारा सेव डाल देना और रोटी के साथ खा लेना, साइड में ओनियन ले लेना और नींबू। और दूसरा तरीका ये, अगर आपको ग्रेवी सिर्फ बना के रखना है, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर दिस एंड कीप, आप ये बना के रखिए, खाने के पहले जस्ट इसको गर्म करना, इट शुड बी हॉट। ये जो ग्रेवी है इसको गर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सेव डालेंगे, सेव ज़्यादा सॉगी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ऐसा क्रिस्पी भी नहीं, इट शुड बी अ वेरी नाइस, क्या बोले हम, जैसे मिसल के ऊपर हम सेव डाल के खाते हैं कैसे लगता है वैसे, तो आपको वो वैसे करना है। तो अभी इसको मैंने ऑफ कर दिया है, सर्व करके आपको मैं बताती हूँ। तो गाइज ये मैं आपको वीडियो अभी डाल दूँगी सर्व करके, और एक फ़ोटो भी दिखा दूँगी कैसे इसको सर्व करते। मैंने ये बना के रखा है, मैं खाने के पहले इसको गर्म करूँगी, फिर उसमें सेव डालूँगी। जैसे मुझे बाहर जाना था इसलिए मैं ये बना दिया, क्योंकि आते वक्त मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बना दिया, आके मैं इसमें सेव डालूँगी। तो ये एक तरीका, और आप इंस्टेंट उसको बना के भी खा सकते हो। तो गाइज़ ये मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट नीचे करना, और मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा रेसिपी। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता देना। मिलती हूँ आपसे एक नए रेसिपी के साथ, सी यू सून, बाय। तो गाइज़ ये मैंने ग्रेवी ले लिया है, ये ओनियन को कट करके रखा हुआ है, और ये भावनगरी जो है सेव, हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हो। तो ये रही सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो गाइज़ ये आप भी ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर।